Hello bachcho, so let's see this question. The question says, it is desired to measure the magnitude of field between the poles of a powerful loudspeaker magnet. A small flat search coil of area 2 cm square with 25 closely wound turns is positioned normal to the field direction and then quickly snatched out of the field region. Equivalently, one can give it a quick 90 degree turns to bring its plane parallel to the field direction. The total charge flown in the coil is 7.5 millicoulombs. The combined resistance of the coil and the galvanometer is 0.50 ohms. So we have to estimate the field strength of the magnet. तो देखिए बच्चों, हमारे क्वेश्चन में जो ये कहता है, basically ये कहता है कि हमारी एक small flat search coil है, जिसका area है 2 cm square के बराबर, जो कि हो गया हमारा 2 into 10 raised to the power -4 मीटर स्क्वायर के बराबर. और कहता है वो जो स्मॉल हमारी फ्लैट सर्च कॉइल है उसमें 25 क्लोजली वाउंड टर्न्स है. तो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स भी इसने दे दिया है 25 टर्न्स. और वो पोजीशनड है फर्स्ट हमारा, सपोज करिए अगर ये हमारी कॉइल है और हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड है बी जो कि है नॉर्मल टू दिस कॉइल. हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड बी है जो इस कॉइल के नॉर्मली हमारी इससे पास हो रही है. तो देखिए, तो जो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड होगी इसमें जो एक कॉइल रखी होगी इसको हम एकदम से स्नैच आउट कर देते हैं फ्रॉम द फील्ड रीजन. सपोज करिए आफ्टर सम टाइम टी हमने इसको स्नैच आउट कर दिया फ्रॉम दिस मैग्नेटिक फील्ड. अगर इस बार भी हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इससे हमने इसको स्नैच आउट कर दिया, मतलब इसको इस फील्ड से बाहर निकाल दिया. तो जो इसको हमने इससे बाहर निकाला तो उसमें एक करंट फ्लो होगा, राइट? क्योंकि इसमें हमारा देखिए मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें हमारा चेंज आ रहा है. तो ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस होगा जब हम इसको बाहर निकाल रहे होंगे उस इंस्टेंट पे. तो जितना उसमें चार्ज फ्लो हुआ वो था हमारा डी क्यू, हमें गिवन है 7.5 मिलीकूलम्स के बराबर. तो हमारा जो चार्ज फ्लो हुआ है इस कॉइल में वो हमारा चार्ज फ्लो हुआ है 7.5 मिलीकूलम्स के बराबर. एंड हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस दिया है ऑफ द कॉइल एंड द गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस हमें दे दिया 0.50 ओम्स. तो हमें एस्टिमेट करना है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा जो की फॉर्मूला लगेगा, द की फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर, इट इज द फॉर्मूला ऑफ द फैराडेज लॉ. वी हैव टू यूज द फैराडेज लॉ of EMF generation. The EMF generated in the coil is equal to the minus N times of d phi over dt. तो जो हमारा EMF generation होगा in the coil, that is equal to the number of turns times the change in the flux of the coil. तो देखिए, यहाँ से अगर हम देखें, हम एक चीज जानते हैं कि जो हमारा EMF होता है, जो EMF generate होगी इस coil में, वो बराबर होगी हमारी current produced in the coil times the रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, राइट? जो हमारी कॉइल में रेजिस्टेंस होगी अलॉन्ग विद द गैल्वेनोमीटर, उसकी रेजिस्टेंस टाइम्स द करंट फ्लोन इन द कॉइल, वो हमारी ईएमएफ जनरेशन होगी उस कॉइल में. तो अगर हम ईएमएफ ई को रिप्लेस करें बाय दिस फॉर्मूला, अगर हम इसको इक्वेशन 1-2 बोले और इसको इक्वेशन 1, तो अगर हम लिखें पुटिंग और यू कैन से इक्वेटिंग इक्वेशन 2 विद 1, तो हमारे पास आ जाएगा IR इज इक्वल्स टू माइनस N d phi ओवर dt. एंड हम जानते हैं कि जो हमारा करंट फ्लो होगा इन द कॉइल दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन द चार्जेस dq ओवर dt, वेयर q हेयर इज अवर चार्ज दैट इज फ्लोइंग इनसाइड द कॉइल. तो I को अगर हम रिप्लेस करें बाय दिस फॉर्मूला तो हमारा बनेगा dq ओवर dt टाइम्स रेजिस्टेंस R equals to minus n d phi over dt, right? अगर हम यहाँ पे i को replace करें by dq over dt, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा बनेगा r dq is equals to n d phi minus n d phi, and integrating both sides, इसको अगर हम करें integrating both sides, तो हमारा बनेगा
आर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस एन इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव। हमारा फाइव में जो चेंज आएगा वो आएगा फ्लक्स इनिशियल से लेके फ्लक्स फाइनल, एंड हमारा जो चार्जेस में चेंज आएगा वो आएगा जीरो से लेके टू चार्ज क्यू। एक सर्टन अमाउंट ऑफ चार्ज जो इसमें प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द फाइनल चार्ज दैट विल प्रोड्यूस इन द कॉइल, तो उसको हम बोलेंगे एज क्यू। और इनिशियली हमारा जो कॉइल में चार्ज था वो था जीरो के इक्वल, जो चार्ज फ्लो कर रहा था, एंड हमारा फ्लक्स में जो चेंज आएगा वो आएगा फ्रॉम फ्लक्स इनिशियल टू फ्लक्स फाइनल। सो अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों तो हमारा बनेगा आर क्यू इक्वल्स टू माइनस एन फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, राइट। अब देखिए हमारा जो फ्लक्स इनिशियल है दैट इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, तो देखिए बच्चों, तो हम जानते हैं बच्चों कि जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू एन टाइम बी टाइम्स ऑफ ए, वेयर बी हेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमने उस कॉइल को रखा है, इंट्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, एंड ए हेयर इज द एरिया ऑफ द कॉइल। तो जो हमारा फ्लक्स इनिशियल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ एरिया, एंड हमारा जो बच्चों फ्लक्स फाइनल होगा जब हम इस कॉइल को इस मैग्नेटिक बी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इस बी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे हम इस कॉइल को, तो हमारा जो फ्लक्स फाइनल होगा वो होगा जीरो के बराबर। तो हमारा यहां से फ्लक्स फाइनल आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर हम देखें इस फॉर्मूले में हम फ्लक्स फाइनल और फ्लक्स इनिशियल की वैल्यू पुट करें तो हमारा आएगा आर टाइम्स ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू माइनस एन फ्लक्स फाइनल विच इज जीरो माइनस बी ए। तो यहां से हमारा आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी एन बी ए के बराबर। तो यहां से अगर हम बी के लिए सॉल्व करें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल टू आर क्यू ओवर एन ए। एंड देखिए हमें गिवन में क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, द नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया, तो यहां से हम बी इजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम बी के लिए सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस हमें दिया है 0.5 ओम्स टाइम्स द चार्ज, चार्ज गिवन विच इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल दैट इज 7.5 मिलीकूलम्स, 7.5 मिलीकूलम्स, मिलीकूलम्स कैन बी रिटन एज 7.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 कूलम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स विच इज गिवन 25 टाइम्स द एरिया, एरिया विच इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इन मीटर स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज 2 into 10 raised to the power minus 4 meter square. So upon solving this right hand side of the equation, we get magnetic field which is introduced in this coil that will be equal to 0.75 Teslas. So final answer for this question is 0.75 Teslas. So itni hamari field strength hogi of the magnet in which the coil is placed. So I hope bachcho you understand this answer well, and best of luck.